और सियासत की इन बड़ी खबरों के बीच एक बड़ी खबर क्रिकेट की दुनिया से आ रही है। विराट कोहली ने अब टेस्ट टीम की कप्तानी भी छोड़ दी है। थोड़ी देर पहले ही विराट कोहली ने ट्वीट करके टीम इंडिया की टेस्ट कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया। कोहली पहले ही वनडे और T20 की कैप्टेंसी छोड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता अंकन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कैसे उन्होंने ऐलान किया, जरा ये बताइएगा अंकन। बिल्कुल सौरभ, अब से थोड़ी देर पहले विराट कोहली ने एक ट्वीट किया जिसमें एक बड़ा इमेज जो है वो उसमें लिखा, और उसमें उन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट से अपनी कप्तानी के संन्यास का जो कप्तानी छोड़ी है उसकी घोषणा उन्होंने की। देखिए आप, उन्होंने लिखा है कि 7 साल से वो लगातार कड़ी मेहनत जो कर रहे थे उसका जो रिजल्ट है वो भी मैदान पर मिला, लेकिन हर अच्छी चीज़ का अंत होता है, ऐसा विराट कोहली लिख रहे हैं। और लास्ट में उन्होंने लिखा कि अब एक और अच्छी चीज़ का अंत हो रहा है, वो उनकी टेस्ट कप्तानी का अंत हो रहा है। लेकिन अगर पूरे तरीके को देखेंगे, जिस तरीके से और जो घटनाक्रम को देखेंगे, तो बहुत बड़े सवाल उठते हैं, क्योंकि विराट कोहली ने सबसे पहले T20 की कप्तानी छोड़ी, उसके बाद BCCI ने उन्हें वनडे की कप्तानी से हटाया, और अब विराट कोहली साउथ अफ्रीका के खिलाफ कल ही भारतीय टीम को 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में जो है 2-1 से हार मिली, और उसके 24 घंटों के बाद विराट कोहली ने टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी। और इस पूरे वाक्य में अगर आप देखें तो BCCI ने भी ये एक्नॉलेजमेंट बहुत जल्दी दे दिया, यानी कि BCCI और विराट कोहली के बीच कल रात से ही बात चल रही थी, और BCCI को भी ये पता था कि विराट कोहली कप्तानी जो है टेस्ट फॉर्मेट की वो भी छोड़ने वाले हैं। अगर आप देखें तो BCCI ने भी ट्वीट किया विराट के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए, और उन्होंने बधाई दिया विराट कोहली को जिस तरीके से उन्होंने भारतीय टीम को लीड किया, जिस तरीके से उन्होंने जो है उन्होंने लिखा कि कितने आंकड़े भी बताए BCCI ने, यानी कि ये पूरा कल से जो है कल से जब से इंडियन मतलब आप ये कह रहे हैं कि BCCI ने एंडोर्स कर लिया, यानी अब सहमति है BCCI की भी। अगर ये कप्तानी छोड़ना चाहते थे विराट कोहली, तो हमारे स्पोर्ट्स एडिटर समीप राजगुरु भी जुड़ गए हमारे साथ। समीप, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे प्रकरण को, क्या ये कप्तानी के तौर पर विराट युग का अंत है? बिल्कुल युग का अंत है, और दूसरी चीज मैं इसको एक तरह से देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं सौरभ ये क्राइसिस सिचुएशन भी है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि जिस तरीके से अगर T20 की बात करें या वनडे की बात करें तो वहां पर ऐसे खिलाड़ी थे जो कप्तानी ले सकते थे, जो तैयार थे। लेकिन अगर रोहित शर्मा की बात करें, रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी लेने के लिए कितना तैयार है, तीनों फॉर्मेट में कप्तानी ले सकते हैं या नहीं, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये बात जब अंकन हमारे संवाददाता कह रहे थे खेल के कि जिस तरीके से पूरी बातें चल रही थी और लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि विराट कप्तानी छोड़ सकते हैं, लेकिन इनका उत्तराधिकारी नहीं है हिंदुस्तान के पास अभी अगर तुरंत देखें। और कहीं ना कहीं विराट कोहली ने जो ये पूरा हुआ मामला, जो विवाद हुआ है, उसकी नाराजगी भी सौरभ यहां पर दिख रही है। कहीं ना कहीं इन्होंने अपना विरोध भी जताया है ये कप्तानी छोड़कर, इसको इस तरह से भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने T20 की कप्तानी छोड़ी थी, उन्होंने वनडे की कप्तानी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने कहा मैं वनडे की कप्तानी नहीं छोड़ रहा हूं, लेकिन उनसे छुड़वाई गई, उनसे ले ली गई कि ये कहकर कि वाइड बॉल में 2 कप्तान नहीं हो सकते। अब उन्होंने ये सीरीज कप्तानी की और उसके बाद इस कप्तानी को छोड़ने का मतलब ये, हालांकि कप्तानी छोड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं थे। आप देख ले, वनडे की कप्तानी के लिए तैयार थे, टेस्ट की कप्तानी को छोड़ने के बारे में कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो अचानक एक क्राइसिस यहां पर आती है, जहां पर अब यहां पर BCCI को ढूंढना होगा कि अगला कप्तान कौन है। और मेरी नजर में अगर आप देखें, जबरदस्ती तो आप किसी को भी कप्तानी का कार्यभार संभालने के लिए दे सकते हैं, लेकिन एक रेडी कैप्टन आपके पास कोई भी नहीं है इस वक्त। तो ये कहीं ना कहीं विरोध जताया है विराट कोहली, अगर आप देखें उनका ये जो पूरा जो प्रकरण, पूरा जो विवाद हुआ है, उसका एक विरोध है यहां पर विराट कोहली का, साफ साफ। नहीं, विराट कोहली का विरोध तो चले ठीक समझ में आता है, लेकिन क्या BCCI भी ये चाहता है कि अब तीनों फॉर्मेट्स में कोई नया ही कप्तान हो? नहीं, BCCI के पास तो कोई विकल्प है नहीं यहाँ पर, क्योंकि BCCI जहां तक बात है विराट कोहली को जब आपने वनडे कैप्टनसी से हटा दिया, उसके बाद विराट को जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बात की कि मेरे से किसी ने कोई बात नहीं की ये कि T20 की कप्तानी मत छोड़ो जो सौरभ गांगुली ने कही थी, उसके बाद चेतन शर्मा जी जो हमारे चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स हैं उन्होंने कहा कि शायद उन्होंने बात की थी, तो ये विवाद तो काफी दिनों से चल रहा था। लेकिन इस पूरे विवाद को कहीं ना कहीं अगर आप देखें, विराट कोहली कप्तानी करना चाहते थे, लेकिन अब BCCI उनको रोक भी नहीं सकती है, क्योंकि ये मामला जो है ना हाथ से निकल चुका है एक तरह से, और BCCI अब यही चाहती है कि ये मामला जो है खत्म हो जाए और इस पर जो है ना पानी डाला जाए, जिससे कि अब दूसरा कप्तान हम चुने और आगे बढ़े इससे। तो निश्चित तौर पे BCCI पूरी तरीके से सहमत है इस चीज पूरे फैसले से, और शायद BCCI भी ये चाहती है सौरभ, अगर आप बिटवीन द लाइंस देखें और जिस तरीके की खबरें लगातार आती रही है, BCCI यही चाहती है कि अब विराट से आगे देखा जाए, नया कप्तान लाया जाए, और ये जितने विवाद हुए विवाद पर विराट विराम लगाया जाए।
समीप, लेकिन जब तक टीम अच्छा कर रही होती है बहुत सारे क्राइसिस दबे रहते हैं, बहुत सारी चिंगारियां वो दबी रहती हैं, लेकिन जब आपका ट्रेंड डाउनवर्ड हो, टेस्ट में एक बहुत बेहतर टीम इस तरीके से हार की कगार पर हमें दिखाई दी कल, उस वक्त ये चीज आना, तो ये तो एक क्राइसिस में दूसरा ऐड हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, और अगर आप देखें दुनिया की नंबर एक टेस्ट टीम थे हम लोग चार साल से करीब सौरभ, अब हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो रेस है उसमें भी लुढ़क कर हम पहुंच गए पांचवें नंबर पर, और अचानक टीम जो है पूरी बिखरी भी लग रही है। आपके पास टेस्ट टीम जो है, जो इतनी बड़ी टेस्ट टीम थी और जिस तरीके से आपने कहा ना कि हार की कगार पर थे, और लगातार थे, ऐसा नहीं था कि हमने बहुत अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेली, लगातार दो टेस्ट मैचेस हम 7 विकेट से आ रहे हैं और 3.5 दिन के अंदर आ रहे हैं, ये एक कहीं ना कहीं इसने भी इस चिंगारी को जो है आग में बदला। अगर विराट कोहली थोड़ा बहुत सोच भी रहे थे, नाराज भी थे, विरोध भी जताना चाहते थे, तो ये जो हार थी इन्होंने इनके विचार को पूरी तरीके से पक्का कर दिया कि छोड़ दो। इस समय ना सिर्फ कप्तानी की क्राइसिस है, आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया, बल्कि टीम के अंदर भी एक क्राइसिस है कि आज आपके पास टेस्ट टीम नहीं है, आज आपकी मिडल ऑर्डर लड़खड़ा चुकी है, आपके बॉलर्स भी थक चुके हैं, आपके ओपनर्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये पूरी की पूरी टीम बिखर गई एक तरह से। जो टेस्ट टीम विराट कोहली ने बनाई थी वो टेस्ट टीम आज बिखरती हुई नजर आ रही है। एक नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी, नया कप्तान भी ढूंढना पड़ेगा, और यहां से एक नई टीम का बनाना का प्रकरण जो है वो भी शायद शुरू करना पड़ेगा यहां से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।